नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो संघर्ष में टिकता है वही इतिहास में दिखता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने राशिफल चैनल में। और रखो आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरी यहाँ मिलने वाली है, तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज रविवार है, सूर्यदेव महाराज का दिन। दोस्तों कमेंट में जय सूर्यदेव महाराज जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑनल पर सेलेक्ट करें। अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग की। आज का पंचांग है 7 जुलाई 2024 दिन रविवार। आज की तिथि है द्वितीया। आज का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे, सुबह 5:29 पे सूर्यदेवस्थ होंगे, शाम 7:13 पे। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 11:29 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का शुभ समय है शाम 5:48 PR से शाम 6:26 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 5 और लकी कलर है लाल और मेरू। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, पुरानी नकारात्मक बातों को भूलकर सकारात्मक सोच के साथ नए दिन का स्वागत करें। जी हाँ दोस्तों, नया दिन नई उम्मीदें लेकर आता है। पुरानी नकारात्मक बातों को भूलकर आगे बढ़। हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं तो परेशानियां कभी दूर नहीं होंगी। हमें दूसरों पर नहीं अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। अपनी तैयारी पक्की रखें तभी परेशानियां हल हो सकती हैं। बुरी आदत को कभी भी छोड़ा जा सकता है, बस बुरी आदत छोड़ने का हमारा संकल्प मजबूत होना चाहिए। अगर हम किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो हमें ही मेहनत करनी होगी, बिना करे कोई काम का नहीं होता। ध्यान रहे सुखी सफल जीवन के लिए असफलताएं और शुभकामनाएं बहुत जरूरी हैं। असफलताएं अनुभव देती हैं, शुभकामनाएं सकारात्मकता। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशिफल के बारे में कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपको किसी अजनबी पर बहुत ही सोच विचार कर भरोसा करना चाहिए। इसी के साथ आपको बिजनेस में भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। यदि आपने पार्टनरशिप में किसी काम को किया हुआ था तो वह बहुत अच्छा चलेगा। आप किसी बिजनेस के काम को लेकर छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। किसी नए घर, मकान, दुकान आदि को खरीदने का सपना आज आपका पुण्य होगा, लेकिन फिर भी आपको किसी को धन देने से पहले सावधान व सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके डूबे हुए धन के भी वापस आने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी थकावट, दिन आगे की ओर बढ़ेगा, आपको अच्छे परिणाम मिलते चले जाएंगे। दिन के अंत में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप किसी करीबी से मुलाकात करके इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जीवन की सबसे से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आपको अपने जीवन साथी से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथी आपको बताएं आज आपकी कोई बड़ी समस्या हल होने वाली है, जैसे कोर्ट संबंधी कार्यवाही चल रही है तो फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है। साथ ही बच्चों की कोई समस्या हल हो जाने से आप अपने कार्यों में एकाग्र चित्र हो पाएंगे। सभी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बजाय परिवार जनों के साथ बांटने की कोशिश करें, इससे आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे। किसी अप्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से वातावरण नकारात्मक हो सकता है, इस तनाव का असर आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा। बिजनेस में पूरा ध्यान मार्केटिंग और प्रोडक्ट के प्रमोशन पर लगाएं। ज्यादा कामयाबी की इच्छा में गलत रास्ता ना चुनें। सरकारी काम थोड़ी सी रुकावट के बाद पूरे हो जाएंगे। घर में पति पत्नी के आपसी सामंजस्य सुखद स्थिति बनी रहेगी तथा किसी मित्र के मिलने से पुरानी यादें ताजा होंगी। साथ ही आपको बताएं आज आपका आर्थिक जीवन सामान्य होगा, लेकिन आपके व्यय में वृद्धि होने की संभावना दिख रही है। इस स्थिति में आप धन को संभाल कर व्यय करें। धन के लेन देन में सावधान रहे और किसी ऐसे व्यक्ति को धन देने से बचे जिस पर आपको भरोसा नहीं। पारिवारिक जीवन में आज थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। घर के लोगों से किसी भी तरह का वादा करने से पहले यह जरूर जान ले कि आप उस वादे को पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। झूठे वादे करने से बचे, इससे आपके प्रति आपके घर वालों का विश्वास कम हो जाता है। अब बात करें दोस्तों
आपके लव लाइफ की आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, प्रेम संबंधों में उलझे लोगों के लिए आज का दिन उम्दा है। आप आज हवा में बिखरे प्यार के उन रंगों को देख पाएंगे और अपने प्रेमी की बाहों में बाहें डालकर घूमने जा सकते हैं। इस दिन आपको अपने प्रेमी का ध्यान रखने की जरूरत है। आप इस प्यार भरे दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए अपने अच्छे व्यवहार से प्रभावित करें, परंतु ध्यान रहे, अपने काम के प्रति प्रतिबंध आपको अपने साथी से दूर ले जा सकती है। इसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन अपने प्यार को उचित तरीके से अपने साथी के समक्ष प्रकट करें, जो कि आपके दिल में है। आपका साथी आपसे प्यार और ध्यान की मांग करता है। इस जुनून और दीवानगी को आपके प्यार में जो गायब हो गई है, उसे पुनः लाने का प्रयास करें। वह आपके रिश्ते में फिर से धीरे धीरे करके अंकुरित होगी। अपने साथी को अपने प्यार की गहराई से अवगत कराने का प्रयास करें। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की। तो दोस्तों, अपने कार्य क्षेत्र में आज आप अपने काम के बल पर जाएंगे, लेकिन अजर बजर की बातों, गप्पा बातचीत और अपवाह से दूर रहना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। भले ही यह यात्रा अधिक दूरी की ना हो, लेकिन यह सफर का मजेदार होगा और आपको अपने लोगों के साथ समय बिताने का और यात्रा के आनंद का अवसर मिलेगा। जिस यात्रा की खुशी में आपको और आपके प्रेमी दोनों को बहुत आनंद आएगा, हो सकते हैं। बच्चों के साथ आपको आज मनोरंजक पल बिताने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में आपके प्रेम बना रहेगा। लव लाइफ के मामले में भी दिन आपके पक्ष में है। आज का दिन व्यापारिक कार्य में लाभ और काम की बेहतर स्थिति को दर्शाने वाला रहे। आपका प्रभाव और महत्व कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा। व्यापारिक साख का लाभ आज आपको अपने कारोबार में प्राप्त होगा। कुछ नए बड़े ऑनर्डर प्राप्त करने हेतु किया गया प्रयास सफल होगा। आराम की कमाई में वृद्धि होगी। खान पान और गृह निर्माण कार्य से संबंधित काम करने वाले जातकों की आज विशेष रूप से कमाई अच्छी होगी। पेशावर में आज आप काम के साथ मनोरंजक पलों का भी आनंद लेंगे। जातकों के लिए वैवाहिक संबंधों में तालमेल और मधुरता देखी जा सकती है। आप आज जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्ण पलों का आनंद लेंगे और कहीं घूमने जा सकते हैं। आज आपको पिता की ओर से भी लाभ मिलने का योग दिखता है। लव लाइफ में जिनका प्यार नया है, वो आज प्रेमी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। शाम के समय आप किसी मनोरंजक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। आज का दिन लाभदायक रहेगा। बिजनेस में आज आपको अच्छी कमाई मिलने वाली है, लेकिन साथ ही आज आप कुछ पेंडिंग बिल को भी चुका सकते हैं। आपको आज नौकरी में साथी सहकर्मियों का साथ मिलेगा। किसी सहयोगी और मित्र के सहयोग से आपकी कोई चिंता दूर होगी। किसी अधूरे अटके काम के पूरा होने से आप राहत की सांस लेंगे। आपको आज भाग्य भी लाभ दिलाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपको आज इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। आप आज परिवार की खुशी के लिए धन खर्च करेंगे। बच्चों और जीवन साथी के लिए खरीदारी कर सकते हैं। आप आज सुबह से ही परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर घर की व्यवस्था को बनाए रखने पर काम करेंगे। आपको आज मित्रों और संबंधियों से अपेक्षित सहयोग मिल पाएगा। आप आज बच्चों के संग मनोरंजक पल भी बिताएंगे और उनकी शिक्षा में भी सहयोग करेंगे। आसपास के लोगों का सहयोग आपको सुखद अनुभूति देगा। आज के दिन आपको शराब जैसे मादक तरल का सेवन नहीं करना चाहिए। नशे की हालत में आप कोई कीमती सामान खो सकते हैं। अपने जीवन साथी के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देना उसकी झुंझलाहट का कारण बन सकता है। गुस्से को फिर से भड़कने से रोकने के लिए उसकी इजाजत ले तो आसानी से इस परेशानी को हल किया जा सकता है। आपका प्यार न सिर्फ परवान चढ़ेगा, बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। दिन की शुरुआत प्रिय की मुस्कान से होगी और रात उसके सपनों में ढलेगी। घर के छोटे सदस्यों के साथ गप्पे लगाकर आज आप अपने खाली समय का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह बढ़िया दिन है। साथ में एक अच्छी शाम गुजारने की योजना बनाई। आपकी चिंताएं आज आपको जीवन का आनंद लेने से आपको रोक सकती हैं। जो लोग अपने करीबियों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें आज बहुत सोच समझकर कदम रखने की जरूरत है, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपके प्रियजन खुश है और आपको शाम के लिए उनके साथ कोई योजना बनानी चाहिए। आज के दिन प्यार की कली चटक कर फूल बन सकती है। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि आपको नई जानकारियां और तथ्य मुहैया कराएंगे। आपका जीवन साथी आपको प्यार का एहसास देना चाहता है, उसकी मदद करें। लोगों के बीच रहकर सबका सम्मान करना आपको आता है, इसलिए आप भी सबकी नजरों में अच्छी छवि बना पाते हैं।
बेकार के ख्यालों में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें, बल्कि इसे सही दिशा में लगाएं। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिन का लुत्फ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग न करने दें। आप इस दिन को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप प्यार में डूबने के मौके को आज यूं ही ना गवाएं तो घर पर मिले किसी पुराने सामान को देखकर आज आप खुश हो सकते हैं और सारा दिन उस सामान को साफ करने में बिता सकते हैं। अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो जीवन साथी के साथ आज का दिन आपकी जिंदगी के सबसे रोमांचक दिनों में से एक हो सकता है। जब आपके परिजन सप्ताहांत में आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करते रहे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन शांत रहना आपके फायदे में साबित होगा। जो उधारी के लिए आपके पास आए उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर रहेगा। आपका अड़ियल रवैया घर पर लोगों के दिलों को चोट पहुंचा सकता है, यहां तक कि नजदीकी दोस्त भी आहत हो सकते हैं। आपका प्रेमी या प्रेमिका आज बहुत गुस्से में नजर आ सकते हैं, इसकी वजह उनके घर की स्थिति होगी। अगर वो गुस्से में है तो उन्हें शांत करने की कोशिश करें। यात्रा आपके लिए आनंददायक और बहुत फायदेमंद होगी। आप अपने जीवन साथी के साथ रोमानी दिन गुजार सकते हैं, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। किसी पेड़ की छांव में बैठकर आज आपको सुकून मिलेगा। जीवन को आज आप नजदीक से जान पाएंगे। आपकी उम्मीद एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। एक धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपके रिश्ते में सुधार लाएगा। आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे